अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा इस टाइम गैंगस्टर या क्रिमिनल नहीं है जो एनसीआर का फिलहाल इधर जिसकी प्रेजेंस हो। तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद भी अभी हाल ही में टीवी पर इंटरव्यू देने वाले लॉरेंस बिश्नोई की कही हुई कोई भी बात अभी तक कोई भूला नहीं। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए उसने पूरी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ पर डाल दी, जिस तरह से सलमान खान को फिर से लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दे डाली, ये सब अभी सभी के जहन में बहुत ताजा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई के ही गैंग के कुख्यात अपराधी दीपक की चर्चा शुरू हो गई है। दीपक बॉक्सर कुख्यात अपराधी है, मैक्सिको से भारत लाया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई और इंटरपोल की मदद से मैक्सिको से गिरफ्तार करके भारत में कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को आज सुबह ही फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया गया। दीपक बॉक्सर क्या चीज है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वो एयरपोर्ट पर लाया गया तो इस दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर HGS धालीवाल भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वांटेड अपराधी दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से भारत लाने की उपलब्धि पर HGS धालीवाल ने कहा, गृहमंत्री के निर्देश पर भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये एक बड़ी कामयाबी है कि समन्वित कार्रवाई के जरिए पहली बार किसी अपराधी को मैक्सिको जैसी जगह से भारत वापस लाया गया है। दीपक बॉक्सर दिल्ली के सिविल लाइन्स में एक बिल्डर की हत्या समेत कई जघन्य मामलों में फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले कई महीनों से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का पीछा कर रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में दीपक बॉक्सर जितना बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं है। धारीवाल ने बताया, गैंगस्टर ने अमेरिका के रास्ते मैक्सिको पहुंचने के लिए कई रास्ते अपनाए लेकिन वो पुलिस के जाल में फंस गया। ऐसे पहली बार हुआ है जब दिल्ली पुलिस ने किसी गैंगस्टर को देश से बाहर अभियान चलाकर गिरफ्तार किया हो। ऐसे में ये जानना अब जरूरी हो गया है कि जिस दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस की कई महीनों की मेहनत आज सफल हुई है, ये दीपक बॉक्सर आखिर है कौन और इसके पकड़े जाने को क्यों दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि करा दिया जा रहा है। कौन है दीपक बॉक्सर? दिल्ली के मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था दीपक बॉक्सर। सिविल लाइन्स में एक बिल्डर की हत्या समेत कई मामलों में था फरार। कुख्यात गोगी गैंग की कमान संभाल रहा था दीपक बॉक्सर। गोगी की हत्या के बाद गैंग को लीड कर रहा था दीपक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिला चुका था गैंगस्टर। विदेश भागने में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने अहम भूमिका निभाई। दीपक बॉक्सर पर 3 लाख का इनाम घोषित था। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर दीपक बॉक्सर से गैंगस्टर कैसे बन गया? कैसे बॉक्सर से गैंगस्टर बना दीपक? हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है दीपक पहल। राष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाजी चैंपियनशिप का विजेता था दीपक। अपराध की दुनिया में एंट्री हुई साल 2014-15 में जब उसकी मुलाकात गोगी गैंग से जुड़े स्थानीय अपराधी मोहित से हुई। गोगी के समूह में दीपक अपनी बॉक्सिंग साख के कारण बहुत जल्द प्रसिद्ध हो गया। 2016 में गिरफ्तार किया गया था दीपक जब 10 सदस्यीय गिरोह ने गोगी को भागने में मदद की थी। 2017 में जमानत पर जेल से रिहा हुआ और आपराधिक गतिविधियां फिर से शुरू की। 2021 में गोगी के शूटआउट के बाद दीपक गिरोह का सरगना बना। गोगी के सहयोगी फज्जा को पुलिस हिरासत से भगाने में निभाई अहम भूमिका। इसके बाद सवाल ये भी अहम हो जाता है कि दीपक बॉक्सर आखिर भारत से भागा क्यों और कब? दीपक बॉक्सर कब और क्यों भागा? क्राइम की दुनिया में धीरे धीरे अपने पैर जमाने वाले दीपक के बढ़ते अपराध की वजह से वो सबके निगाह में चढ़ने लगा था। उस पर फिर एक बार गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा था। इस साल जनवरी में भारत से भाग गया दीपक। मैक्सिको से अमेरिका में प्रवेश करने की थी दीपक की तैयारी। रवि अंतल के नाम से बरेली से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता से दुबई के लिए उड़ान भरी। दुबई से दीपक अलमाटी, कजाकिस्तान, तुर्की और स्पेन होते हुए मैक्सिको पहुंचा। हालांकि फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन के बाद पकड़ा ही गया दीपक बॉक्सर। अमित शाह के निर्देश पर दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी। पिछले साल अगस्त में दिल्ली पुलिस को छिपे हुए अपराधियों को पकड़कर लाने के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए थे। पुलिस की 2 सदस्यीय टीम को मैक्सिको भेजा गया। दीपक बॉक्सर के ठिकाने के बारे में सुनिश्चित था विभाग। दीपक को पकड़ने में दूतावास ने भी की मदद। जानकारी से साफ है कि गोगी को 7 साल पहले हरियाणा में पुलिस हिरासत से छुड़ाने के बाद दीपक सुर्खियों में आया था। 2 साल पहले GTB अस्पताल में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले में भी शामिल था दीपक। वांटेड अपराधी फज्जा 28 मार्च 2021 को रोहिणी इलाके के एक फ्लैट में स्पेशल सेल के एक टीम के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था। फज्जा 25 मार्च को यहां के एक सरकारी अस्पताल में मुठभेड़ के बाद हिरासत से फरार हुआ था। पुलिस ने दीपक को पकड़ने में हासिल की कामयाबी के बाद बताया, गैंगस्टर पिछले 5 साल में हत्या और जबरन वसूली समेत 10 सनसनीखेज मामलों में भारत में वांटेड था।
लेकिन अब दीपक गिरफ्तार कर लिया गया है, वापस भारत लाया जा चुका है। अब होगी दीपक पर कार्रवाई, चलेगा डंडा, एक एक अपराध का होगा हिसाब किताब। दीपक ने पुलिस को जितना छकाया है उसके बाद तो पुलिस को भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है, जो कि है भी। अब पुलिस खुद उसे दिल्ली NCR का सबसे बड़ा गैंगस्टर बता रही है। वैसे दिल्ली पुलिस की इस उपलब्धि पर दीपक बॉक्सर के बारे में जानने के बाद आप इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।